उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पुलिस को ट्रक लूटरों को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 ट्रक लूटरों के कब्जे से 1 नकली पिस्टल, लाठी डंडे बरामद किए हैं। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक देर रात कपिल सिंह अपने 2 साथियों सत्यम और श्याम बाबू के साथ मिलकर बालू के खादान की ओर जा रहे ट्रक को नकली पिस्टल दिखाकर लूटने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर के न रुकने पर आरोपी ने लाठी डंडों से ट्रक का शीशा तोड़ दिया। इसके पहले कि आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, उसी क्षेत्र में गश्त कर रही महेवा घाट पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये कल महेवा घाट थाना क्षेत्र में बालू घाट की तरफ एक ट्रक जा रहा था, उसको लूटने का प्रयास किया गया। पहले रिवॉल्वर दिखाई गई, ट्रक वाले ने जब आगे बढ़ाया ट्रक तो 2 लोग और आगे खड़े थे, उन्होंने लाठी डंडों से उसका शीशा वगैरह तोड़ा। ट्रक चालक ने आगे बढ़ के पुलिस पार्टी जो गश्त में थी उसको सूचना दी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 3 अभियुक्तों की अरेस्ट की गई, उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये पाई गई कि जो रिवॉल्वर जिसका इस्तेमाल हुआ था वो देखने में एकदम असली सी है, लेकिन वो वास्तव में असली नहीं है, वो नकली रिवॉल्वर है जिसको लूट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 3 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट।